अच्छा, एंटी एजिंग को लेके बहुत सारे लोगों को डाउट भी होते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं उनके लिए। इतने सारे एडवांस ट्रीटमेंट है, बोटॉक्स है, फिलर्स है, या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट है, लेकिन उनके साथ साथ आपको वो ट्रीटमेंट हर 6 महीने पे या फिर मंथली मेंटेनेंस आपको जरूर लेना होता है। बिल्कुल क्या कोई एक ऐसी चीज है जिसे आप रिकमेंड करोगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको स्टॉप कर दो तो वापस से वो रिलैप्स हो जाए या वापस से वो पहले वाली कंडीशन में आ जाए? देखो, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग सोचते हैं कि जब पूरे रिंकल्स आ चुके हैं, बाल खराब हो चुके हैं, जॉइंट्स वीक हो चुके हैं, तब उसके बारे में कुछ करें। नहीं, अगर आप पहले ही अर्ली एज में, यानी कि आप 30s में ही अपना प्रॉपर एक स्टार्ट कर देते हैं सप्लीमेंट्स को लेना, तो वो आपको फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। उसके लिए आप जैसे कॉलेजन है, हमने बहुत सारी पहले वीडियो बनाई हैं कॉलेजन, और साथ में अगर आपको टाइटनिंग और लाइटनिंग भी चाहिए तो ग्लूटाथोन, ये दो चीज़ें आप रेगुलर अगर रखते हैं तो सारी की सारी फ्यूचर में होने वाली समस्याएं, चाहे वो एजिंग हो, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना हो, नेल्स का खराब होना हो, शाइनिंग चली जाती है, बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तो ये सारी की सारी, और साथ के साथ जॉइंट्स, हमारा पूरा का पूरा जो स्केलेटन है वो पूरा स्ट्रांग रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी और बहुत ही फायदेमंद है। तो हम इसे कंप्लीट, ऐसे नहीं, परमानेंट ट्रीटमेंट हम इसे बोल परमानेंट सकते परमानेंट हैं, कोई परमानेंट कह सकते टेम्पररी हैं। नहीं कि हाँ, 6 मंथ टेम्पररी के नहीं, ये लिए। है कि ये समझो कि जैसे डेली यूज में हम करते हैं उस तरह से इसको आपको रेगुलर रखना है, और लंबे टाइम तक आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सप्लीमेंट्स हैं, कोई दवाई या कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो आप तो लेते ही यस, मैं लेती हूँ और मैं हैं रिकमेंड भी करती हूँ। जी, तो जरूर लीजिएगा डॉक्टर कसानाज का ग्लूटाथोन एंड कॉलेजन।